हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मम्मा एंड जीनीज किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मैगी स्प्रिंग रोल्स। ये स्प्रिंग रोल्स रेसिपी इतनी आसान है, झटपट बनकर तैयार हो जाती है। और मैगी स्प्रिंग रोल्स जो होते हैं बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं रेसिपी। तो मैंने मैगी जो है पहले से ही बना के रखी है, और मैगी जो है एकदम ड्राई ड्राई सी, बिल्कुल अलग अलग सी होनी चाहिए। मैगी चिपचिपी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हमें जो है स्प्रिंग रोल शीट्स तैयार करनी है। तो उसके लिए हमने एक बाउल लिया है और उसमें डालेंगे एक कटोरी मैदा। तो मैदा जो है हमने एक कटोरी ले ली है। तो अब उसमें हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और उसका एक पतला सा घोल बनाकर तैयार करना है। तो मैं फोक की हेल्प से इसको मिक्स कर रही हूँ। आप चाहो तो बीटर भी ले सकते हो। मतलब हमें ऐसा इसको घोल बनाना है कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो इसलिए पानी जो है थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि कोई भी लम्स ना बने। तो ये देखिए, मैंने जो है इसका घोल बनाकर तैयार कर दिया है। तो घोल जो है अभी भी थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करके मैं इसको और पतला कर दूँगी। तो ये मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स करके, तो ये देखिए हमारा जो घोल है कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। इसीलिए गैस पर एक पैन चढ़ा देते हैं। पैन जब हल्का सा गर्म हो, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का सा जब गर्म हो जाए तो हम इस बैटर को जो है पैन के अंदर डाल देंगे एक छोटा स्पून, और इसको हमें घुमा घुमा कर इस तरह से स्प्रेड कर देना है। और अब इसको गैस पर रख देना है। गैस की जो फ्लेम है हमें उसको मीडियम रखना है, अदरवाइज़ हमारा जो ये स्प्रिंग रोल शीट है जल जाएगा। तो ये देखिए, फटाफट से जो है थोड़ी ही देर में हमारी स्प्रिंग रोल शीट जो होती है खुद से ही पैन को छोड़ना शुरू कर देती है। तो ये देखिए, एक साइड से बिल्कुल अच्छे से खुद से ही छूट चुकी है। तो अब इस स्प्रिंग रोल शीट को जो है स्पैचुला की हेल्प से उठाते हुए मैं निकाल देती हूँ, और इसको एक प्लेट में डाल देना है। और प्लेट के ऊपर हमें पहले थोड़ा सा जो है मैदा स्प्रिंकल कर देना है। अब जब हम स्प्रिंग रोल शीट इसके ऊपर रखेंगे तो उसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा इसी तरह से मैदा जो है स्प्रिंकल करना होता है, ताकि जो शीट्स है आपस में ना चिपके। तो ये देखिए, फटाफट से मैंने काफ़ी सारी स्प्रिंग रोल शीट्स जो है बनाकर तैयार कर दी है। तो ये देखिए कितने अच्छे से बनी है। स्प्रिंग रोल शीट बनाना जो है कोई मुश्किल काम नहीं है। तो शीट्स जब हमारी तैयार हो चुकी है तो इसको इस तरह से बोर्ड पर रखना है, और हमने जो मैगी तैयार की हुई है उसको रख देना है शीट के ऊपर, और शीट को दोनों तरफ से जो है हमें फोल्ड कर लेना है। और मैदे वाला जो बैटर बचा हुआ था उस बैटर को हमें शीट के चारों तरफ से लगा देना है, और इसको हमें अच्छे से टाइटली जो है रोल कर देना है। रोल जो है बिल्कुल एकदम टाइट बनाना है, रोल ढीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या है जब हम इसको फ्राई करेंगे तो वो बीच से फूल जाता है। तो रोल्स जो है उसको टाइट ही पैक करना है। तो चलिए एक बार मैं और बनाकर दिखाती हूँ। इस तरह से हमें जो है फिलिंग जो है उसको रख देना है, शीट के कोने पे रखना है दोनों साइड से। इसको बंद करके इसके ऊपर बैटर लगा देना है ताकि हमारी जो स्प्रिंग रोल शीट है अच्छे से चिपके, और बिल्कुल एकदम टाइट इसको हमें रोल करना है। और इसकी जो साइडें हैं उनको भी हमें जो मैदे वाला हमारा लिक्विड है उससे फिल कर देना है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इतने सारे रोल पैक कर दिए हैं। तो अब गैस पे जो है तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब इन स्प्रिंग रोल्स को जो है हम फ्राई करने के लिए डाल देते हैं। और इस टाइम पे क्या है, गैस की जो आंच है उसको हमें फिर से मीडियम कर देना है, ताकि हमारे जो रोल्स हैं अच्छे से अंदर तक पके और एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी से बने। अगर आंच हम तेज़ रखेंगे तो उससे क्या होती है, हमारे जो स्प्रिंग रोल्स होते हैं शीट्स बहुत पतली होने के कारण जल जाते हैं। तो इसलिए आंच जो है इसकी मीडियम ही रखनी है। बीच बीच में जो है हमें इनको हिलाते रहना है। तो ये देखिए, रोल्स जो है अच्छे से बढ़िया से एकदम गोल्डन ब्राउन से हो चुके हैं। तो एक बार फिर से थोड़ा सा इनको पलट देते हैं, और अब हम इनको निकाल देते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा कलर आया है हमारे इन स्प्रिंग रोल्स में, एकदम बिल्कुल मार्केट वाले जैसे रोल्स की तरह दिखते हैं, और खाने में भी बिल्कुल वही टेस्ट आता है।
तो अब जब स्प्रिंग रोल्स घर पर ही बनकर तैयार हो जाते हैं तो मार्केट वाले रोल्स हम क्यों खाएंगे और क्यों हम अपने बच्चों को खिलाएंगे। तो ये देखिए, झटपट से मैंने सारे स्प्रिंग रोल्स जो है तैयार कर लिए हैं। तो ये देखिए, मैं इनको बीच से कट करके दिखाती हूँ इस तरह से। तो हमारे जो स्प्रिंग रोल है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं, एकदम क्रंची क्रंची, और अंदर से देखिए कितनी बढ़िया सी फीलिंग है इसमें मैगी की। अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट और बाहर से एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बने हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, ये जो स्प्रिंग रोल्स है बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, तो एक बार अपने घर पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि मैगी तो हर घर में बनती है। कई बार ऐसा होता है कि मैगी जो है ज़्यादा बन जाती है तो बच जाती है, तो बची हुई मैगी को जो है आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो उसके स्प्रिंग रोल्स बनाकर। आज की रेसिपी में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई।